वेलकम टू कुक विद नूरी। आज मैं आपके साथ एक मज़ेदार स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हमने अपने बचपन में ज़रूर खाया होगा। मैंने तो इसे अपने स्कूल में और कॉलेज में दोनों जगह खाया है और ये मेरे फेवरेट्स हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बचपन की यादें जिसका नाम है आलू स्टफ पकौड़ा। इसे मैं आपको तीन तरीके से बनाना सिखाऊंगी। एक हम नॉर्मल बनाएंगे जो बाज़ार में मिलता है, जो हम बचपन में भी खाते थे वो, और एक मैं चटनी वाला बताऊंगी एंड थर्ड वाला होगा चीज़ी आलू पकौड़ा। तो चलो शुरू करते हैं बनाना, याद करते हैं अपने बचपन की यादों को और बनाते हैं आलू स्टफ पकौड़ा। सबसे पहले हम ब्रेड पकौड़ों की स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने दो मीडियम साइज़ के आलू लेके उसे बॉईल कर दिया था, फिर उसे मैश कर लिया अच्छे से। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, फिर 1/4 teaspoon इसमें हल्दी डालेंगे, फिर इसमें जाएगा चॉप की हुई 2 green chili, अगर ज़्यादा तीखा खाते तो आप ज़्यादा डाल दें, हरा धनिया, फिर इसमें हम डालेंगे 1/2 teaspoon कुटा हुआ जीरा। मैं पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ, जीरे को मैंने कूट लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। 1/4 teaspoon हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग रेडी हो गई है, अब हम इसके बैटर की तैयारी करेंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने एक बोल में 1 cup भुना हुआ बेसन लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक। अगर आप बेसन को लेते हो तो उसे ज़रूर भून के ले, तो इससे क्या होगा ना कि आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे और सॉगी भी नहीं होंगे। मैंने अपने पहली वाली वीडियो में भी बताया है, पिछली वाली वीडियो शायद बैगन के पकोड़ों में, कि जब भी आप बेसन को यूज़ करें चने के आटे को तो उसे भून के यूज़ करें, तो उससे किसी भी तरह के आप पकोड़े बनाएं तो वो ना ही सॉगी होंगे बल्कि बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1/4 teaspoon हल्दी ऐड कर देते हैं। 1/4 teaspoon मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, बेकिंग पाउडर नहीं है ये, बेकिंग सोडा है। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका अच्छा सा थिक सा बैटर तैयार करेंगे। इस तरह का हमें एकदम स्मूथ बैटर तैयार करना है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए, अब देख सकते हैं। और ज़्यादा हमें इसे पतला नहीं बनाना है, थोड़ा थिक ही रखना है वरना ये ब्रेड पे से पूरा निकल जाएगा। ये मैंने कुछ ब्रेड स्लाइस लिए हैं, इसे मैं आपको तीन तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वाला बनाएंगे जो बाज़ार में मिलता है, हम जो बाहर से ख़रीद कर लाते हैं। उसके लिए हम ये स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इस तरह से मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखेंगे। ये हमारा सादा वाला मिल गया है, जो बन गया है, जो हमें बाज़ार में मिलता है उस तरह से। इसे हम बीच से कट कर लेंगे ट्रायंगल शेप में। ब्रेड पकोड़े से मेरी बहुत ही यादें जुड़ी हैं, ये समझ लो कि बचपन की यादें। मेरे स्कूल में ये मिलता था और मैं बहुत ही शौक से इसे खाती थी। ये हमारा नॉर्मल वाला हो गया, अब हम चटनी वाला बनाएंगे। फिर से हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम हरी चटनी लगा देंगे इस तरह से। अब जिस भी तरह से बनाते हैं हरी चटनी बना के इस पर लगा सकते हैं। मैंने इसमें पुदीना, हरा धनिया और जीरा, लहसुन
और थोड़ा सा नमक डाला है। मैं इसमें हरी मिर्च भी डालती हूँ, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि स्टफिंग में भी मैंने हरी मिर्च डाली थी, इसलिए मैं चटनी में हरी मिर्च नहीं डाली और इसे पीस लिया। इस तरह से मैंने चटनी भी हर जगह अच्छे से लगा ली है। अब इसके ऊपर हम स्टफिंग रखेंगे, आलू की स्टफिंग। इसे भी अच्छे से इस तरह से स्प्रेड करेंगे, इस तरह से। इसके ऊपर भी हम एक ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, इसे हल्के से प्रेस कर देंगे और फिर इसे भी हम ट्रायंगल शेप में कट कर देंगे। इस तरह से ये रेडी हो गया हमारा चटनी वाला। अब थर्ड हम करेंगे चीज़। एक ब्रेड का स्लाइस फिर से ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें चटनी भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट स्टफिंग भी रख सकते हैं। तो मैं थोड़ी सी चटनी इस पर लगा देती हूँ, थोड़ा अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। फिर हम इस पर स्टफिंग भी रख देंगे, देन चीज़ भी। तो ये तो एकदम रिच वाला पकौड़ा बन जाएगा हमारा। फिर से इसके ऊपर हम स्टफिंग रख देंगे। आप लोग ने भी अपने स्कूल में शायद ये खाए होंगे आलू ब्रेड पकौड़ा, और अगर खाए हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। इस तरह से अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर हम स्लाइस चीज़ रख देंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसे भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। मेरे पास था तो मैं ये स्लाइस चीज़ यूज़ कर रही हूँ। फिर इसके ऊपर दूसरा ब्रेड स्लाइस, देन अगेन हम इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम ये बैटर में सैंडविच को अच्छे से डिप कर लेंगे इस तरह से, और फिर इसे फ्राई करेंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर आप इसे स्लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना, तो ब्रेड पूरा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पूरा एकदम सॉगी सॉगी बनेंगे। तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसे टर्न कर लेते हैं। ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। थोड़ा सा इसका तेल पहले निकाल लेंगे हम इस तरह से। इसी तरह से बाकी के सारे मैं फ्राई कर लूँगी। रेडी है हमारे आलू स्टफ पकोड़े, जिसे हमने तीन तरीके से बनाया है। मैं इसे देखकर खुद को रोक ही नहीं पा रही हूँ, मुझे मेरे बचपन की याद आ रही है। मैं इसमें से एक टेस्ट करके देखती हूँ। मैं नॉर्मल वाला लूँगी क्योंकि बचपन में तो चीज़ी वगैरह नहीं मिलता था। डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी है। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं और मेरे साथ कमेंट ज़रूर शेयर करें कि आपने भी इसे बचपन में खाया है या नहीं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।